Hey guys, come back. मेरे प्रिय सबसे पहले स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, और जो नए हैं उनका भी स्वागत, जो जुड़े हैं उनका भी स्वागत, और जो अभी जुड़े हैं उनका भी स्वागत। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो इस बारे में, क्योंकि शेर अभी जिम से आया था, थोड़ा बहुत स्नान किया हमने, वापस गल वाले के गाले खाए वो सब कल के, फिर हम अभी बात कर ले कि मैंने अभी जिम में बहुत से जिम के चौधे देखे कि बहुत दिनों से देख रहे, पर एक इंफॉर्मेशन जो बिगनर को या फिर जो लड़के जिम में गलतियां करते हैं उसके बारे में मिस्टेक्स बोलते ना, वो पहली मिस्टेक तो है सबसे पहले फ़ोन यूज़ करना चाहिए। इतनी बकवास है ना लोग, मतलब इससे होता क्या है, एक तो आपका माइंडसेट ही नहीं रहता है वर्कआउट करने में, आप फ़ोन में लगे रहते हो। पहली बात तो जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ना हर वक्त, वर्कआउट सेट हुआ फ़ोन यूज़ करो, ये हुआ किसका बंदे कॉल आया कॉल पे लग जाओ, मैसेज करो, मैं चैटिंग करो, फिर वो आप इंस्टा स्क्रॉल करते बैठो, ये सब चुपते ही रहते हैं। तो जिम में क्यों आते हैं, जिम मुझे आया करो, पहली बात तो फ़ोन ही अवॉइड करने का, यूज़ करने का, मतलब डिस्ट्रैक्शन है एक प्रकार की, आप वो अवॉइड कर सकते हो। फ़ोन से वर्कआउट पे भी धन्य रहते हैं आधे टाइम। तो फिर मैंने भी, हमारे जिम में एक चौधे जिम के बहुत जने, तो क्या करते वो आते हैं जिम में, सिर्फ ऐसे बैठते बैठते मोबाइल ऐसा स्क्रॉल करते बैठते, बस आधा घंटा एक घंटा करते, फिर आके जिम करते, जिम के भी वो सेट में भी करते, वो वही भगवत गिरी। तो यही एक ये पहला कि ये करना यूज़, ये मोबाइल ये करना क्या बोल रहा हूँ मैं, मोबाइल यूज़ करना नहीं चाहिए, मेरा ओपिनियन ये कि है वो डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो खुद नहीं करता। और दूसरा ये कि जो ओवर एक्सरसाइज करते कुछ लोग नहीं, क्योंकि ठीक है बाकी को समझ आता है, जो जिसका कुछ है भी नहीं, जस्ट जिम ज्वाइन किया है, वो क्या करते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो कहने का ये मकसद है, एक्सरसाइज थोड़ा सिलेक्शन आपका गलत हो, मतलब एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत जन गलत करते, तो एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए कि लिमिटेड एक्सरसाइज करो, जिसके आप मतलब अभी कुछ लोग ये भी करते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, उल्टी पुल्टी ये करेंगे वो करेंगे, खूब मतलब नहीं क्या उसका कुछ उपयोग भी नहीं है, और वो गलत भी है, गलत मतलब क्योंकि आप बेसिक से ही नहीं जुड़े तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जा रहे हो कि, और सबको लगता है कि अभी बहुत से जन क्या करेंगे, उनको लगता है जिम जाके डायरेक्ट वेट उठाएंगे, मसल बिल्डिंग बढ़ाएंगे ये करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। पहले आप बेसिक्स पे ध्यान दो, पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ, जितने ज़्यादा पुशअप्स और पुलअप्स मारोगे ना भाई उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये फैक्ट है, जितने पुशअप्स मारोगे या फिर पुलअप्स ज़्यादा मारोगे, जितना बॉडी वेट से जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ना उतना फ़ायदेमंद रहता है। और ये भी गलतियाँ है बहुत, और फिर वो बात आती है कि क्या बोलता, हाँ एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था, बहुत गलत एक्सरसाइज लगाते हैं कि नहीं क्या, क्योंकि एक तो पहले तो आप बिगनर हो, उसमें भी आप अगर गलत लगे तो कुछ उसका भी फ़ायदा नहीं है, इंजरी करके लोगे। और मिस्टेक्स जो आती है वो है फॉर्म में, बहुत जन ईगो लिफ्टिंग भी करते कि नहीं भाई मैं ज़्यादा वेट उठाऊंगा तो मसल बिल्ड करेगा, अगर आप 10 किलो से नीट नहीं मारे तो 12 किलो से क्या मारोगे घंटा, इसलिए बोल रहा हूँ वेट अपने हिसाब से चूज करो, जहाँ से आप प्रॉपर फॉर्म के साथ मार सको, अगर नहीं जम रहा है तो जिम छोड़ के वगैरह जाने का सीधा। तो यही है, और फिर ये होगा एक्सरसाइज के बारे में, और जो डाइट के भी हिसाब से अभी सबको लगता है कि नहीं मैं सप्लीमेंट लूँगा तो भी बॉडी तो ही बॉडी बनेगी, तो पहली बात तो आप जिम करना छोड़ दो फिर, क्योंकि घर का खा के भी बॉडी बन सकती है, क्योंकि हमने बनाई है, हम बता रहे हैं, तो सुनो ये बात। डाइट भी बताया था वो, मैं इस बारे में बताया एक दो वीडियो भी बनाए, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स, क्योंकि इसलिए कि बाद में आप ले सकते हो, थोड़े बहुत प्रोग्रेस करो ज़रा कुछ पहले, क्योंकि बेसिक जो आप बिल्ड हो रहे हो ना तो आप नेचुरल से हो, क्योंकि बॉडी जो होती है ना नेचुरल की, वो नेचुरल मतलब सप्लीमेंट्स भी है नेचुरल होता है, मतलब सिर्फ प्रोटीन वो, पर अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स में जा रहे हो स्टार्टिंग से ही तो ये गलत है मेरे हिसाब से, तो ये अवॉइड करो। और अभी आते हैं डाइट पे, अगर डाइट ठीक से लोगे, घर का खाओगे, अच्छी खासी बॉडी के लिए भरी भरी, और जो बिगनर्स जो होते हैं ना मोस्टली वो लेग्स डे वो स्किप करते, लेग डे स्किप करते, उनको लगता है नहीं क्या है लेग बिग्स, पर एक बात बताओ तो लेग्स जितना ज़्यादा मारोगे ना उतने ज़्यादा अपर बॉडी भी ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि लेग्स मारने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं हमारे, इसलिए अपनी लेग्स पे ज़्यादा ध्यान दो अपर बॉडी से थोड़ा सा स्टार्टिंग में दो, क्योंकि अगर थोड़े बहुत लेग्स आपके बिल्ड हो गए ना फिजिक भी अच्छे से दिखेगी,
और आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने के बाद आपके मसल पे भी उसका उपयोग होता है, तो ये बताना था मेरे को। ये कोई मिस्टेक्स हो गए बहुत से करते हैं अभी भी, तो ये अवॉइड करो बिजनेस के लिए खास। और जो अभी भी है इंटरमीडिएट, वो उनका यही एक बड़ा मिस्टेक है कि वो जिम में बहुत टाइम पास करते हैं क्या, वर्कआउट के सेट्स के बीच में फोन यूज़ करना ये करना, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर बहुत से जन को लगता भी है कि सिर्फ ये खाऊंगा तो मैं बॉडी बनाऊंगा, प्रोटीन लूंगा तो बॉडी बनेगी, वो लूंगा तो प्रोटीन ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जिसको करना आता है वो कैसे भी करता है, और जिसको बॉडी बनानी है वो घर से भी, क्योंकि भले भले हमने देखे रहेंगे जो गाँव में रहते हैं वो रहते हैं उनकी भी बॉडी रहती है, तो सोचो ज़रा एक बार कि वो क्या खाते होंगे, यही बताना था। वैसे भी सब वेजिटेरियन हो, मैं भी वेजिटेरियन ही बनने वाला पूरा, अभी सिर्फ एक्स चालू है मेरे, तो वो भी धीरे धीरे बंद करने वालों में, और वेजिटेरियन डाइट पे फोकस रखो ज़्यादा है। बहुत से ऑप्शन है वेजिटेरियन में, क्योंकि चिकन भी हम जो खाते हैं तो चिकन भी तो घास ही खाती है ना, जो कोंबड़ी रहती है वो भी घास ही खाती है ना, पर कोंबड़ी को गाय को मारने का बिचार ही रहती है वो भी, इसलिए। तो चलो बहुत हो गए वीडियो, यही मिस्टेक्स थी जो मेरे को बताने की थी आपके साथ, क्योंकि मैंने अभी अभी मेरे को क्लिक हुआ, चलो इस पर एक वीडियो भी बना दिया, मेरा एक वीडियो भी हो जाएगा। तो ये बेसिक्स पे ध्यान दो और स्टिक रहो अपने, मतलब बेसिक्स पे ध्यान दो, मिस्टेक्स अवॉइड करो, और जितना आप वर्कआउट में फोकस रहोगे ना, वर्कआउट में कौन से भी एग्जांपल ले लो, ग्रो करोगे। और पहली बात तो ये कि आपका जो ध्यान रहोगा ना वर्कआउट में, जो आप मारोगे वो आसानी से आप क्या बोलते हो उसको, अपने आप को बॉडी बिल्डिंग में आप देख पाओगे कि हाँ ग्रो हो रही है, ये हो रही है, ये अवॉइड करो। मोस्टली फोन तो ठीक है, आप पर आपको यूज करने करो, मत करो मेजर। तो चलिए वीडियो यही एंड करते, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बॉडी चेक। तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ, चौपली वाली हमारा देसी डाइट से बहुत अच्छी बनती है, पर ये बात सच है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिसको करना होता है वो करता है। ठीक है, बाय बाय।